मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। उन्होंने उमा भारती के शराबबंदी अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि सभी लोग नशे के खिलाफ हैं। उमा भारती भी सामाजिक नशा मुक्ति की बात कर रही हैं। बीजेपी हमेशा से ही इस पक्ष में रही है, समाज को नशे से दूर रहना चाहिए, इसलिए नर्मदा यात्रा के दौरान नशा मुक्ति को मुख्य बिंदु में रखा गया था। इस कुरीति को दूर करना है तो समाज को आगे आना होगा, लेकिन कांग्रेस नेता इस पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। नशा मुक्ति प्रदेश के लिए जरूरी है। वहीं उन्होंने कांग्रेस के किसान आंदोलन पर कहा कि पूरे देश में कांग्रेस की हकीकत सामने आ चुकी है। कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया वो फ्लॉप साबित हुआ है। आंदोलन में एक भी किसान सामने नहीं आया। रॉबर्ट वाड्रा ने किसानों की हजारों एकड़ जमीन पर बेजा कब्जा किया हुआ है। पहले कांग्रेस को उसे कब्जे से मुक्त कराना चाहिए। नशा किसी भी समाज के लिए कैंसर जैसा घातक है, और आज हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी भी नशे की लत में बहुत तेजी से उसकी आदत होती जा रही है, और इसीलिए हम सबको ये सुनिश्चित करना होगा कि हम सब मिलकर जन जागरण के माध्यम से नशा मुक्ति के लिए समाज को जागृत करें। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यकाल में भी हर सार्वजनिक कार्यक्रमों में नशा मुक्ति को लेकर जन जागरण किया है, संकल्प दिलाया है। हम देखते हैं कि ऐसे सामाजिक आंदोलन या ऐसी सामाजिक कुरीति केवल सरकार के डंडे से ही समाप्त नहीं होती। ये कुरीति को यदि समाप्त करना है तो निश्चित रूप से समाज को जागृत होना पड़ेगा, समाज को खड़ा। तो हमारे राजनीति करने का उद्देश्य अंत्योदय है, समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सेवा करना, और जिसका उद्देश्य यह होता है उसमें हर कार्यकर्ता प्रशिक्षित हो, हमारी रीति नीति को जाने, हमारे कार्यक्रमों को जाने, और उसके माध्यम से स्वच्छ राजनीति करते हुए समाज की सेवा करे। चुनाव केवल हमारे लिए ध्येय नहीं है, चुनाव हमारे लिए केवल और केवल जनता की सेवा करने का एक साधन है।